नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग एम में स्वागत है। एक बार फिर से प्यारी से अपडेट के साथ नर्सिंग एम में आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो दोस्तों, एक और भर्ती का अपडेट लेके आए हैं साथियों। फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो आपको सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकारी नौकरी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरकारी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। जो भी अपडेट होती है हम अपने चैनल के माध्यम से सूचित करते रहते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल बना रखा है तो टेलीग्राम में वो ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो साथियों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO की ये भर्ती रहने वाली है, और इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, और मध्य प्रदेश जिले की ये भर्ती रहने वाली है। क्या योग्यता रहेगी, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। क्या सैलरी रहेगी, और ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो साथियों, आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, और क्रोम ब्राउज़र में आपको nhmmp.gov.vacancy.aspx लिखना है। जैसे आप लिखोगे तो आपके सामने जो नेशनल हेल्थ मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ MP की जो मेन वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो ये मेन वेबसाइट है वो ओपन हो गई है। फिर आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो जो भर्तियां निकल रखी है MP में उनकी सारों की लिस्ट आ जाएगी। जैसे NHM HR संविधान नेत्र सहायक के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में निकल रखी है भर्ती, तो नेत्र सहायक की निकल रखी है। 14/11 इसकी डेट है वो रहने वाली है। और बात करने वाले NHM संविधा सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ CCH व संविधा कम्युनिटी ऑफिसर CHO के पदों की पूर्ति के सामने, तो CCH का जिन्होंने कोर्स रखा है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, और CHO के लिए वैकेंसी रहने वाली है। और अंतिम तिथि इसकी जो फॉर्म की रहेगी वो 16 नवंबर 2023 इसकी फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है। MO ऑनलाइन वॉक इन इंटरव्यू ऑर्डर डॉक्टर मयंक शर्मा। तो ये सारी कुछ वैकेंसी आ रखी है। तो हम बात करने वाले हैं जो CHO की वैकेंसी आई है उस पे चर्चा करने वाले हैं। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये जो नोटिफिकेशन है वो ओपन हो जाएगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो ओपन हो गया है। तो इस जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन की ये भर्ती रहने वाली है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO की ये भर्ती रहने वाली है। 6/10 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था भोपाल से, और ये इसके जो एडवर्टाइज नंबर हैं, तो संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रिक्त पदों के विरुद्ध संबंधित वर्गों के उम्मीदवारों में 6 माह के सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ CCH परीक्षण कार्य में चयन हेतु संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर सीधी भर्ती के लिए मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने या सीधी भर्ती प्रवेश परीक्षा में चयन के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय संस्थाओं पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर संविदा नियुक्ति दी जाएगी। तो संविदा पे ये भर्ती होने वाली है, और इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पहले मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को दी जाएगी। और अगर मध्य प्रदेश के अलावा कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको पहले मध्य प्रदेश का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। तो आपको CCH कोर्स करवा जाएगा, और जिन्होंने CCH कोर्स कर रखा है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फिर आपको जो सब सेंटर हैं ग्रामीणों में, वहाँ आपकी पोस्टिंग दी जाएगी CHO के लिए। उपलब्ध स्थान सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण 480 पद, तो साथियों 480 पद हैं वो कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण के हैं, जो माह जनवरी से जून 2023 के सत्र में शुरू होगा। और संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर सीधी भर्ती है तो 500 पद हैं। तो जो प्रशिक्षण CCH है उसके 480 पद हैं, और CHO के इसमें
500 पद शामिल किए गए हैं, तो टोटल है वो 980 पदों पे ये भर्ती होने वाली है। तो ठीक है साथियों, तो 980 पदों पे ये भर्ती होने वाली है। एमपी के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और बहुत ही अच्छी पोस्टें रहने वाली है। सोने पे सुहागा ये भर्ती होने वाली है। तो चयन प्रक्रिया की बात करें तो दिशा निर्देश है वो वेबसाइट पर उपलब्ध करें। प्रशिक्षण बेंच वार वार स्थान लिखित परीक्षा तिथि व ऑनलाइन एडमिट कार्ड हॉल टिकट की विस्तृत जानकारी तो दोस्तों वेबसाइट का आप समय से अवलोकन करते रहें, और नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी अपडेट आएगी तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। और ऑनलाइन है वो 20 से शुरू होंगे, 20 से 16/11 16 नवंबर तक, तो 20 अक्टूबर से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे और 16 नवंबर इसकी जो लास्ट डेट रहेगी। तो साथियों ये ऑनलाइन आवेदन की डेट है, अभी तक नोटिफिकेशन आया है वेबसाइट पर। जैसी आगे की कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दे देंगे। योग्यता की बात करें तो सीसी अच प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, जीएनएम बीएससी व 1 दिसंबर 2023 में वैध व जीवित पंजीयन। तो इसमें जीएनएम व बीएससी नर्सिंग वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है साथियों, और सीएचओ पद पर सीधी भर्ती, कम्युनिटी हेल्थ एकीकृत कोर्स बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी उत्तीर्ण 1 दिसंबर 2023 की तुम्हें वैध जीवित पंजीयन होना चाहिए। तो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इसमें जो सीएचओ के लिए, वो केवल बीएससी नर्सिंग व पोस्ट बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं, और सीसीएच के लिए जेएनएम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको प्रश्न के बाद है वो सीएचओ का सर्टिफिकेट मिलेगा। और आयु की गणना की बात करें तो 21 से 40 वर्ष आपकी आयु रहने वाली है, और SC ST EWSR और अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष का छूट मिलेगा। महिला अभ्यर्थियों को इसमें प्रतियोगिता में 33% सीटें हैं पद महिलाओं के, तो महिलाओं के लिए इसमें 33% रिजर्वेशन रखा गया है। उम्मीदवार अपनी अर्हता अनुसार केवल एक प्रकार की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ सीसीएच परीक्षण में चयन और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर सीधी भर्ती की एक समान प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो दोनों की परीक्षा वो सेम दिन ही आपकी करवाई जाएगी। बात करें सैलरी की तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद के लिए 28,700 सैलरी रहेगी प्रति माह, और आपका जो इंटेंसिव है प्रोग्राम है आज प्रश्न है वो 15,000 आपको अलग से दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी सैलरी रहने वाली है। तो फिक्स सैलरी है वो 28,700 रहेगी आपकी, 28,700 आपकी फिक्स सैलरी रहने वाली है। फिर आपको जो इंटेंसिव प्रोग्राम होंगे, जो भी एमपी गवर्नमेंट स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, और अगर वो करते हैं तो आपको 15,000 प्रतिमाह अलग से दिया जाएगा। और ये दिशा निर्देश हैं जो आप पढ़ लीजिए। केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अपूर्ण फोटो या साइन है तो वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये दिशा निर्देश आप पढ़ लेना, आपका इसका PDF है, हमारा टेलीग्राम चैनल बना रखा है तो उसमें मिल जाएगा। और चयन है वो ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन माध्यम से आपका एग्ज़ाम होगा। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है और पदों की संख्या घटाई भी बढ़ाई जा सकती है। NHM मध्य प्रदेश का निर्णय अंतिम उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा। ठीक है साथियों, तो मिशन संचालन NHM मध्य प्रदेश की भर्ती है। तो ये छोटी सी जानकारी थी मध्य प्रदेश की जो CHO की 980 पदों पर भर्ती आ चुकी है, भर्ती का पिटारा खुल चुका है। तो साथियों चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नर्सिंग एम का सदस्य बन जाइए। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर भर्ती हर अपडेट के लिए नर्सिंग एम से तत्पर है। वो टेलीग्राम चैनल बन रखा है तो इसका PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसी प्यारी सी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।